हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ई लर्निंग क्लासेज ऑफ एमएवीएन। टुडे इन क्लास फिफ्थ वी आर गोइंग टू स्टडी आवर नेक्स्ट चैप्टर इन साइंस सब्जेक्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 2, एनिमल्स प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। जानवरों में बचाव और उनके संरक्षण के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और क्या जानेंगे इसमें, तीन मेन टॉपिक्स जानेंगे, प्रोटेक्टिव एडाप्टेशन ऑफ एनिमल, कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन प्रोहिबिशन, ठीक। आइए बुक को रीड करते हैं, आप लोग भी बुक ओपन कर लीजिए। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड हाउ एडाप्शन हेल्प एनिमल्स टू सर्वाइव ओवर द ईयर्स। एनिमल्स हैव डेवलप्ड सर्टेन बॉडी फीचर्स दैट हेल्प देम टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट। पिछले कक्षा में आपने सीखा है कि जानवर कैसे अनुकूल परिस्थितियों में जीते हैं, ठीक है। ठीक, और उनके उस परिस्थिति में जीने के लिए उनके बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर होते हैं जो डेवलप होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द थिक स्किन ए कैमल प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द हॉट डेजर्ट सन एंड द थिक कोट ऑफ फर ऑन द बॉडी ऑफ ए पोलर बियर प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। उदाहरण के लिए, मोटी त्वचा एक ऊंट इसे गर्म रेगिस्तान सूरज से बचाता है। ऊंट में मोटी त्वचा होती है जिससे सूरज की गर्मी से उसकी त्वचा ऊँट को बचाती है। और एक जो पोलर बियर है, ध्रुवीय भालू है, उसके शरीर का जो फर होता है, मोटा सा बाल वाला कोट होता है, वो अत्यधिक ठंडी से बचाता है, ठीक है। अब आइए प्रोटेक्टिव एडाप्टेशन ऑफ एनिमल के बारे में जानते हैं, जानवरों का सुरक्षात्मक अनुकूलन के बारे में जानते हैं, ठीक है। मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल लिव ऑन अर्थ, मैनी ऑफ देम kill other animal to eat, generally larger and more active animals hunt smaller and slower animals. Animals that kill and eat other animals to survive are called predators. पृथ्वी पर कई प्रकार के जानवर रहते हैं, उनमें से कई खाने के लिए अन्य जानवरों को मारते हैं। आमतौर पर बड़े और अधिक सक्रिय जानवर छोटे और धीमे जानवरों का शिकार करते हैं। जीवित रहने के लिए अन्य जानवरों को मारना और खाने वाले जानवरों को, और जो जानवर अन्य जानवरों को मार के खाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रेडेटर्स, शिकारी कहते हैं, ठीक है। विथ सो मैनी प्रेडेटर्स अराउंड एन एनिमल इन नेवर रियली सेफ, सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एनिमल्स हैव डेवलप्ड सर्टेन फीचर ओवर द ईयर्स। दीज इंक्लूड्स एडाप्टेशन दैट चेंज नॉट ओनली दियर बॉडीज बट ऑल्सो बिहेवियर। लेट अस नो रीड अबाउट सम सच एडाप्टेशंस। आस पास कई शिकारियों के साथ ये जानवर वास्तव में कभी भी सुरक्षित नहीं होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जो स्लो होते हैं। इसलिए खुद को बचाने के लिए जानवरों में हमेशा जो है साल दर साल कुछ विशेषताएं विकसित होती हैं, ठीक है। इसमें एडाप्टेशन अनुकूलन भी शामिल है, ठीक है, जो न कि उनके शरीर को बदलते हैं बल्कि उनके बिहेवियर को भी चेंज करते हैं। आइए कुछ ऐसे एडाप्टेशन अनुकूलन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहला है साइज एंड नंबर, इसके आकार और संख्या के बारे में जानते हैं। सम एनिमल लाइक एलिफेंट, व्हेल्स, बियर्स एंड हिप्पोपोटामस स्केयर अवे दियर एनिमीज बाय दियर साइज। Some animal like elephant, chimpanzees, fish, etc. like to stay in group to protect themselves. While moving in a group, elephant form a circle to protect the older and weaker members of their families as well as their young. कुछ जानवर जैसे हाथी, व्हेल, भालू और जो हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा जो होता है, वो अपने आकार से अपने दुश्मनों को दूर भगाते हैं क्योंकि इनकी साइज़ बड़ी है। कुछ जानवर जैसे हाथी, चिंपैंजी, मछली, ये सब अपने को बचाने के लिए क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ठीक है।
एक समूह में ग्रुप में जाते टाइम जब हाथी अपने परिवार के साथ जाते हैं तो जो उनके बूढ़े हाथी हो जाते हैं, जो कमज़ोर हाथी रहते हैं, उनको बचाने के लिए एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। बीच में इनको क्या करते हैं, कमज़ोर और बूढ़े हाथियों को रख देते हैं, किनारे किनारे ताकतवर हाथियाँ रहते हैं, ठीक है, और उनकी रक्षा करते हैं। पेंगुइन्स मेक दियर नेस्ट क्लोज टू ईच अदर, दे हंट फॉर फिश इन पैक्स। द रीज़न इज दैट इफ़ ए प्रेडेटर सच एज वॉरलस डिसाइड टू फीड ऑन पेंगुइन, मोस्ट विल सर्वाइव। द वॉरलस विल एबल टू ईट ओनली वन आर टू। इसलिए पेंगुइन क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब अपने घोंसले बनाते हैं और वे जो है वायरलेस से बचने के लिए वे जो है बर्फ़ के पहाड़ों पे आ जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये मछलियों का शिकार करते हैं, ठीक। और वायरलेस जो होता है पेंगुइन को भोजन बनाने का फैसला करता है, और क्या कर ये वायरलेस जो होते हैं मुश्किल से एक या दो पेंगुइन को खा पाते हैं, बाकी सारे पेंगुइन अपनी जान बचा के भाग लेते हैं, ठीक। अब आते हैं यूजा पॉइजन एंड बैड स्मेल। कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जानते हैं जो अपनी बचाव के लिए पॉइजन छोड़ देते हैं या बैड स्मेल छोड़ते हैं, ठीक है। मैनी स्मॉल एनिमल प्रोड्यूस वेनम, वेनम मीन्स होता है जहर, इन दियर बॉडीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। मैनी पॉइजनस स्नैक लाइक कोबराज एंड वाइपर्स बाइट दियर लार्ज प्रेडेटर्स एंड इंजेक्ट द वेनम इन दियर बॉडी। ड्यू टू दिस इवन द लार्जेस्ट ऑफ प्रेडेटर्स डाई क्विकली। जो सांप होते हैं ये अपने शरीर में ही लोगों दूसरे जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, जहर बनाते हैं, वेनम बनाते हैं, ठीक है। और कोबरा और वाइपर जैसे जहरीले सांप क्या करते हैं, जो भी इनका शिकार करने आते हैं उनको काट लेते हैं, ठीक है। और काटने के बाद उनके शरीर में, बड़े शिकारियों के शरीर में क्या करते हैं, विष को इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेडेटर्स जो होते हैं जल्दी मर जाते हैं, ठीक। सिमिलरली सम इंसेक्ट लाइक हनी बीज एंड वेब्स एंड एनिमल्स लाइक स्कॉर्पियंस इंजेक्ट दियर वेनम इन द बॉडीज ऑफ दियर एनिमीज बाई स्टिंगिंग। ऐसे ही जो है सांप की तरह ही क्या करते हैं हनी बीज, ये सब दतैया मधुमक्खी, ठीक है, और स्कॉर्पियंस ये सब क्या करते हैं, बिच्छू ये सब क्या करते हैं, इनमें के शरीर में डंक मार के जहर छोड़ देते हैं, ठीक। एज स्कन इज ए स्मॉल एनिमल, इट प्रोड्यूस ए केमिकल हैविंग ए वेरी बैड ऑडोर इन इट्स बॉडी। व्हेन एन एनिमी अप्रोचेस ए स्कन इट टर्न्स इट्स बैक, रेजेज इट्स टेल एंड शूट्स द लिक्विड। बिसाइड द फॉल स्मेल द स्प्रे कॉजेज ए सीरियस पेन एंड डिस्कम्फर्ट टू। एक स्कन जो होता है ये छोटा सा जानवर होता है और इसके शरीर में बहुत बुरी गंध रहती है, एक रसायन ये अपने शरीर से पैदा करता है। जब कोई दुश्मन इसके पास आता है तो यह उसकी तरफ पीट करके उसके तरफ पूछ उठाता है और एक गोली मारता है, ठीक है। तो उसमें से क्या निकलता है, उसमें से एक गंध निकलता है बदबूदार, ठीक है। और वो स्प्रे जो होता है जिस जहाँ पड़ता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होती है और जिसके ऊपर पड़ता है वो परेशान हो जाता है, ठीक। उसके बाद आते हैं स्केपिंग फ्रॉम डेंजर। मैनी एनिमल्स आर एबल टू रन स्विम और फ्लाई अवे वेरी फास्ट व्हेन अटैक्ड बाय एन एनिमी। ए डियर और ए गैजल इज डिफिकल्ट टू आउट रन इवन फॉर ए स्ट्रांग हंटर लाइक ए टाइगर और लायन। ए माउंटेन गोट कैन क्विकली क्लाइंब वेरी स्लिप रॉक टू डॉज इट्स हंटर। दुश्मन द्वारा हमला किए जाने पर कई जानवर बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं, तैर सकते हैं, उड़ सकते हैं।
एक हिरन या गजल बाघ जो होता है शिकारी से बचने के लिए, जैसे शेर हो गया या टाइगर हो गया, इनसे बचने के लिए आगे ये भागना इनका मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इतना तेज़ ये भागते हैं कि शिकारी इनका पीछा नहीं कर पाते कूद कूद के। ठीक है, और जो पहाड़ी बकरी होती है वो शिकारियों को चकमा देने के लिए पहाड़ों पर, चट्टानों पर बहुत जल्दी से चढ़ जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं मिमिक्री। समटाइम्स एम एनिमल कॉपी टू कॉपी द अपीयरेंस एक्शन आर साउंड ऑफ अदर एनिमल्स विच आर सिमिलर टू इट इन अपीयरेंस बट डेंजरस इन नेचर आर लेस टेस्टी। कभी कभी एक जानवर दूसरे जानवर की ध्वनि या क्रिया की नकल करते हैं, ठीक है, जो कि इसके समान है, ठीक, और कम टेस्टी हैं। ठीक है, जैसे द टेस्टी वैसररी बटरफ्लाई मिमिक द बिटर मोनांच बटरफ्लाई। देखिए लेफ्ट में जो है जो बटरफ्लाई है वो राइट के बटरफ्लाई जैसे आवाज़ निकालती है, और जो राइट में बटरफ्लाई है मोनांच ये कम टेस्टी होती है। ठीक है, अब आइए, ये तो हो गया कम टेस्टी वालों की आवाज़ निकालने, जैसे अब आइए हम देखते हैं ब्लफिंग। ठीक, झांसा देना, एनिमल ट्राई टू ब्लफ अदर एनिमल बाय डूइंग समथिंग दैट इजेंट ट्रू। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को चकमा देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो सच नहीं है। ठीक है, वो दूसरों को चकमा दे देते हैं। ए फ्रिल लिजार्ड हैज़ अ लार्ज थिन फ्रिल अराउंड इट्स नेक टू फ्राइटन इट इनमीज इट अनफर्ल द फ्रिल एंड हिसेस लाउडली। जो एक फ्रिल्ड छिपकली होती है उसके गले के चारों ओर एक पतली सी परत होती है, अपने दुश्मनों को डराने के लिए या फ्रिल को इतना जोर से हिलाती है और फुफकार मारती है कि ऐसा लगता है कि जैसा धमकी दे रहे कि बेटा अगर मुझसे आए मेरे साथ मुझको परेशान किया तो समझ लो खा जाएंगे तुम्हें। ठीक है, अब देखिए, मैनी एनिमल्स प्ले डेड इफ़ दे सी नो एस्केप इट कन्फ्यूजेस दियर प्रेडेटर्स। लुक एट द फॉलोइंग एनिमल्स प्रिटेंडिंग टू बी डेड। कई जानवर अपनी जान बचाने के लिए क्या करते हैं, ऐसा दिखाई देते हैं कि वो मर गए हैं। ठीक है, वो अपने शिकारियों को भ्रमित कर देते हैं। ठीक, कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं। ठीक है, अब आइए आर्मर के बारे में जानते हैं। सम एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड सर्टेन बॉडी पार्ट दैट हेल्प देम टू डिफेंड एंड हंट। शार्प टीथ एंड क्लॉज ऑफ लायन टाइगर एंड लेपर्ड्स एंड द लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हॉर्न ऑफ वाइल्ड बफेलोज डियर एक्सेट्रा हेल्प देम इन डिफेंडिंग देमसेल्व। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो जिनके बॉडी में कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है, वे क्या करते हैं, वे उनको शिकार करने के लायक बनाते हैं या अपनी सुरक्षा करने के लायक बनाते हैं। जैसे लायन टाइगर और लेपर्ड के तेज नुकीले दांत और पंजे होते हैं, और जंगली भैंस के, ठीक है, और डियर के, हिरन के, इन सब के जो है अपनी सुरक्षा करने के लिए हॉर्न सींग होते हैं। ठीक, ए टॉर्टॉइस इज ए रेप्टाइल इट हैज़ ए हार्ड सेल ऑन इट्स बैक व्हेन एन एनिमी अप्रोचेज इट इट पुल इट हेड लेग्स एंड टेल इनसाइड ए इनसाइड टू सेव इट्सेल्फ। जो है टॉर्टॉइस जो कछुआ होता है वो रेप्टाइल सरीसृप की प्रजाति है। ठीक है, इसकी एक सेल होती है, खाल होती है, खोल। क्या करता है जब कोई इनमें अटैक करता है इसके ऊपर तो ये क्या करता है, अपना सिर और पैर को उसके और उस पूछ को उसके अंदर डाल लेता है तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ठीक है, अब आते हैं कैमोफ्लैग। द कलर शेप आर मार्किंग ऑफ सम एनिमल हेल्प देम टू ब्लेंड इन विद दियर सराउंडिंग्स। दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग हेल्प एनिमल्स टू एस्केप प्रेडेटर्स बाई
becoming harder to spot. Some example of color camouflage are the white coat of the Arctic living in snow regions, the sand colored lizard living in desert, the blue color of the whale living in the sea. छलावरण वाले कुछ जानवर होते हैं, उनका क्या होता है, वो अपनी बचाव के लिए नेचर में उनको उनका कलर ऐसा होता है कि वे जिस जगह रहते हैं उसी कलर के वो दिखते हैं, ठीक है। जैसे फॉक्स हो गया, जो पहाड़ पे रहती है वो एकदम सफ़ेद होती है, ठीक है, और जो लिजर्ट होती है, छिपकली होती है डेजर्ट की, वो एकदम बालू के कलर की होती है, सैंड के कलर की होती है, और जो समुद्र में वेल रहती है वो भी ब्लू कलर की रहती है, उससे वो छिप जाती है, ठीक है। द स्ट्रिप्स ऑन ए जेब्रा स्पॉट ऑन ए डियर एंड द मार्किंग ऑन द बॉडी ऑफ ए कैमलियन हेल्प देम टू कैमोफ्लैग। ए कैमलियन कैन इवन चेंज इट्स कलर टू मर्ज विद इट्स सराउंडिंग्स। द शेप ऑफ सम इंसेक्ट आल्सो हेल्प देम टू कैमोफ्लैग। कुछ कीड़े भी हैं वो भी ऐसे छिपे रहते हैं, ठीक है। अब आइए माइग्रेशन के बारे में जानते हैं। प्रवासन इसको कहते हैं, माइग्रेशन को, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ एनिमल इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल माइग्रेट टू फाइंड वार्मर वेदर, बेटर फूड सप्लाइज आर ए सेफ प्लेस टू गिव बर्थ टू दियर यंग वंस। सम माइग्रेटर्स ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस वाइल अदर गो थाउजेंड ऑफ माइल्स। माइग्रेशन इज मोस्ट कॉमन इन बर्ड। आर्कटिक टर्न आर ए स्मॉल बर्ड बट दे मेक द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन ऑफ एनी एनिमल इन द वर्ल्ड। दे ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 35,000 किलोमीटर बिटवीन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ट्वाइस ए ईयर। जो प्रवासी पक्षी होते हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी संख्या में आते जाते रहते हैं, ठीक है। जैसे पशु अपने बच्चों को जन्म देने के लिए गर्म मौसम, बेहतर खाद्य आपूर्ति, सुरक्षित स्थान खोजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पलायन जिसे कहते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं माइग्रेशन, ठीक। कुछ प्रवासी छोटी दूरी तय करते हैं जबकि अन्य हजारों मील चलते रहते हैं। पक्षियों में ये प्रवासन सबसे आम है, माइग्रेशन। आर्कटिक टर्न के छोटे पक्षी दुनिया के जो है दूर दूर तक जाते हैं वहाँ की ठंडी से बचने के लिए। जैसे आप देखते हैं प्रयागराज संगम में सर्दियों में आते हैं साइबेरियन बर्ड, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, ठीक है, प्रवास करते हैं, एक जगह से साइबेरिया से उड़ के यहाँ तक आते हैं, ठीक है। माइग्रेटरी फिशेज लाइक सैल्मन आर बॉर्न इन रिवर ऑन स्ट्रीम्स। यंग सैल्मन्स देन ड्रिप स्लोली टू द सी। देयर दे लिव फॉर अबाउट सिक्स ईयर्स। देन एडल्ट सैल्मन अगेन माइग्रेट टू द रिवर वेयर दे वेयर बॉर्न टू लेक्स। लॉक्टस आर हार्मफुल माइग्रेटरी इंसेक्ट दैट माइग्रेट इन स्वार्म। दीज इंसेक्ट सेटल स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉय देम। सैल्मन जैसे प्रवासी मछलियाँ नदियों नालों में पैदा होती हैं। ये समुद्र की बहाव की तुलना में ये क्या करते हैं, इनके छोटे बच्चे समुद्रों में चले जाते हैं और लगभग 6 साल वहाँ रहते हैं। फिर ये जब बड़े हो जाते हैं फिर ये उसी नदी में चले जाते हैं जहाँ वे पैदा हुए थे, और वहाँ पे क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। और बच्चों लोग जो टिड्डे होते हैं, ठीक है, टिड्डियाँ होती हैं, ये सबसे हानिकारक माइग्रेट कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये खड़ी फसलों में जाके अपने अंडे को दे देते हैं, ठीक, और उनके बच्चे क्या करते हैं, उस फसल को चट कर जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हाइबरनेशन के बारे में जानते हैं। हाइबरनेशन इज सम एनिमल वे टू डेडलाइन विद द हार्नेस ऑफ विंटर। हाइबरनेशन इज ए लॉन्ग एंड डीप स्लीप दैट हेल्प द एनिमल्स टू सेव एनर्जी एंड सर्वाइव विंटर विदाउट ईटिंग मच। ड्यूरिंग हाइबरनेशन एन एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स एंड इट्स हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग स्लो डाउन सो दैट इट डजंट यूज मच एनर्जी। स्क्वेरल्स, बैट्स, माइस, बीज एंड चिपमंक्स आर सम ऑफ द एनिमल्स दैट हाइबरनेट। हाइबरनेट जिसको
जो है ठंडियों में हाइबरनेट में क्या करते हैं लोग, गहरी नींद में जानवर चले जाते हैं, ठीक है, श्वेत उसको कहते हैं शीत निद्रा, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो लोग उनको सर्दियों में भोजन नहीं मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने एनर्जी को बचाने के लिए काफ़ी टाइम तक सोए रहते हैं, लंबे समय तक, ठीक है, उसी को हाइबरनेशन कहते हैं। ये क्या करते हैं, अपने ब्रीदिंग को स्लो कर लेते हैं जिससे इनकी एनर्जी कम होती है। स्क्वायरल बैट्स ये सब क्या करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं एस्टिवेशन के बारे में जानते हैं। एस्टिवेशन इज आल्सो नोन एज समर स्लीप। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एनिमल गो इनटू ए डीप स्लीप व्हेन इट गेट्स टू हॉट। फ्रॉग टॉर्स क्रैब टॉर्टाइज एंड सेलमेंडर्स आर सम ऑफ द एनिमल दैट गो इनटू एस्टिवेशन। जैसे हाइबरनेशन होता है इसमें क्या करते हैं, सर्दियों से बचने के लिए सो जाते हैं, वैसे एस्टिवेशन में गर्मी से बचने के लिए सो जाते हैं, जैसे मेंढक वगैरह नीचे जाके ज़मीन में सो जाते हैं, ठीक है, और लंग फिश वगैरह, ठीक। ए लंग फिश बरीज इट्सेल्फ इन द मड फॉर्म एट द सरफेस ऑफ ए ड्राइड अप लैक। फर्स्ट इज फॉर्म ए कोकून ऑफ ड्राइड म्यूकस एंड देन ए ट्यूब थ्रू विच इट ब्रीथ्स। ये क्या करते हैं, लंग फिश क्या करते हैं, ये सूखे बलगम का एक कोकून बनाते हैं, फिर इसी ट्यूब के माध्यम से ये सांस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, मछलियाँ सूखे झील में भी मिट्टी में खुद को दफन कर लेती हैं और लंबी ट्यूब के सहारे से ये सांस ले लेती हैं। अब आइए बच्चों, हम कंजर्वेशन ऑफ एनिमल, एनिमल के संरक्षण के बारे में जानते हैं। एनिमल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम बिसाइड प्रोवाइडिंग वेरियस थिंग्स टू अस। वाइल्ड एनिमल्स आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द फूड चेन इन नेचर। एनिमल जो है इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये नेचर को मेंटेन करते हैं। बट ड्यू टू द ग्रोइंग इम्पैक्ट द डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग देयर नंबर्स इज डिक्रीजिंग। मैनी एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंग एंड मैनी अदर आर द वर्ल्ड एक्सटेंशन। लेकिन आज के समय में क्या करते हैं, जानवरों का लोग शिकार कर लेते हैं, इसकी वजह से इनकी संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है, ठीक है। इनडेंजर्ड एनिमल के बारे में आइए जानते हैं, जिनसे खतरा नहीं रहता है। मैनी एनिमल आर किल्ड इनडिस्क्रिमिनेटली फॉर दियर वैल्यूएबल स्किन्स एंड अदर बॉडी पार्ट। ड्यू टू दिस दियर नंबर्स ड्विंडल कंसिडरेबली एंड दे बिकम इनडेंजर्ड स्पाइसेस। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो उनके जिनकी खाल के लिए लोग उनको मार डालते हैं या बॉडी पार्ट के लिए मार डालते हैं, ठीक है, जैसे चीरो हो गया, मिंक हो गया, एलिफेंट के हाथी के लिए, हाथी के दांत के लिए, और राइनोसारस के हॉर्न के लिए, सिंग के लिए क्या करते हैं लोग, इनका शिकार कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हैबिटेट कंजर्वेशन के बारे में जानते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या काम किया जा रहा है उसके बारे में जानते हैं। ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन लैंड यूज एनिमल हैव लिटिल स्पेस टू लिव। मोर देन हाफ टू द अर्थ ओपन लैंड सरफेस हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय मैन। फास्ट डिफॉरेस्टेशन इज लीडिंग टू द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल। एनिमल कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड दियर नेचर हैबिटेट्स। प्रिजर्विंग दियर हैबिटेट्स इज एसेंशियल प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। वन्य जीवों के संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं, ठीक है, उनमें पर्यावरण संरक्षण ये हो सकता है, आबादी में वृद्धि कराई जा सकती है, और भूमि को उपयोग में वृद्धि भूमि को के उपयोग में वृद्धि किया जा सकता है, ठीक है। पृथ्वी की आधी से अधिक खुली भूमि सतह पर मनुष्य का कब्जा है। तेजी से वनों की कटाई जानवर के विलुप्त होने की ओर अग्रसर है। पशु अपने प्राकृतिक आवासों के बाहर जीवित नहीं रह सकते, है कि नहीं, उनके आवासों को संरक्षित करना, जैव विविधता को संरक्षित करना आवश्यक है।
आइए अब ह्यूमन प्रोहिबिशन के बारे में जानते हैं। इन इंडिया वाइल्ड एनिमल आर प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। भारत में वन्य जीवों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया है, इसके तहत इस अधिनियम के अनुसार क्या हुआ है, किसी भी जंगली जानवरों का शिकार करना, उनको जाल में फंसाना या पकड़ना दंडनीय अपराध है। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, अगर इन जानवरों को मार के इनके शरीर के अंगों का व्यापार जो कर रहा है वो गैरकानूनी है, उसको सजा होगी। ठीक है, और इसका कुछ प्रोजेक्ट है टू क्रिएट वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस एमंग पीपल। द गवर्नमेंट हैज स्टार्ट वेरियस नेशनल प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, जो है सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय परियोजनाएं शुरू की हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1 अप्रैल 1973 में ये लॉन्च हुआ था। इसमें क्या था, इसका प्रोजेक्ट क्या था, इसमें था कि टाइगर को सुरक्षित करना है। ठीक है, टाइगर को बचाना है। ठीक, और प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ये 1992 फरवरी में लॉन्च हुआ था। इसमें जो है हाथियों के संरक्षण के लिए इसमें काम किए गए हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आता है IRV इंडियन राइनो विजन 2020। इसमें क्या किया गया था बच्चों, इसमें किया गया था कि एक इसको जो है एक राइनोसायरस से, ठीक है, एक गैंडे से इसको 2020 तक 3,000 गैंडों के रूप में बनाना था, इतना इनको प्रजनन कराना था। ठीक है, तो ये चैप्टर बच्चों यहीं पे फिनिश होता है। आपके बुक में वर्ड पावर दी गई है, इस वर्ड पावर को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इस चैप्टर को कई बार रीड करिएगा। ठीक है, थैंक यू।